मिलेगा, टेस्ट मैचेस में मिले ना मिले, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौका जरूर मिलेगा और उसी वजह से तो मेहनत। इस बार हवा में गेंद, टॉप एज लगा है, लेकिन मिलेंगे 6 रन। मुझे लगा बेजिंग चली गई गेंद। बाउंड्री 6 फॉर निकोल। गई इतनी ऊंची थी। ये बार पीछे 6 रन। पिछली बार 9 गेंदों में 8 शतक जड़ दिया था इन्होंने। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 8 शतक इस खिलाड़ी के नाम है। ताजा चू यान चुन शाओ सिंह भी रंग। मैदान जब छोटा होता है ना तो छक्के बहुत लंबे होते हैं, याद रखिएगा आप, क्योंकि बल्लेबाज हवा में मारते हुए संकोच नहीं करते और जब आप दिल से मारते हैं ना तो फिर बहुत दूर जाती है गेंद। ये भी 6। वाह, ये उससे भी बेहतर शॉट लगा। ये बढ़िया शॉट है, ये टाइम हुआ था क्योंकि पिछली शॉट जो थी वो टॉप एज था, ये वाली मिडल ऑफ द बैट से गई है। और कुछ इसी तरह की बैटिंग मंगोलिया के खिलाफ भी इन्होंने की थी जब 9 बॉल में अपना 8 शतक पूरा कर लिया था, जो कि अब फास्टेस्ट 50 बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है T20 इंटरनेशनल में। दुबे जी पे थोड़ा दबाव है, अब क्या निकालेंगे वो अपनी स्लोर वन बैक ऑफ द हैंड, क्योंकि 2 गेंदे सीम अप, 2 छक्के लग चुके हैं ऑलरेडी। बैक ऑफ द हैंड स्लोर वन जरूर थी, पीछे फील्डर मौजूद है तो क्या फर्क पड़ता है। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, 6-6-6, क्या बात है। वहां 3 छक्के लगे हैं, यहां स्कोरबोर्ड पे 3 इक्के लगे हैं। दीपेंद्र सिंह एरी, मंगोलिया हो या फिर भारत, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने नेचुरल अंदाज में ही बैटिंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही एटीट्यूड भी है। और ये जो आप पहले बता रहे थे कि नेपाल काफी क्रिकेट खेलती है, उसका भी फायदा